भारत में अभी कोरोना का कहर पूरी तरह से थमा नहीं है। हर दिन करीब 10,000 कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,229 नए मामले आए हैं और 125 मौतें हुई हैं, जिसमें केरल में कल आए कोरोना वायरस के 5,848 मामले और 46 मौतें शामिल हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,44,47,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,63,655 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,38,49,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 1,25,000 है, यानी कि कुल 1,34,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 14 नवंबर तक देश भर में 112,34,30,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 30.20 लाख टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 63 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 10 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.35% है, जबकि रिकवरी रेट 98.26% है। एक्टिव केस 0.39% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 18वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।